हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। लिथियम का जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल से काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसका क्या कारण है? चलिए इसका आंसर हम देते हैं और आपको किस प्रकार से देना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आपको अच्छे से समझना भी है कि आपको इसको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिथियम का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम इज़ 1s2 2s1, क्योंकि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसे हम कैसे कॉन्फिग्रेट करेंगे, 1s2 2s1, यानी कि इसके 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन है और 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। देखिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी एटम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो अगर हम लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्योंकि चूंकि ये आउटर मोस्ट सेल है तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो लिथियम को लिथियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब हम करेंगे ऐसा, तो देखिए 1s2 एंड 2s1 को हम कन्वर्ट कर देंगे 1s2 में, क्योंकि यहाँ से इसके 2s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा सिर्फ 1s2, तो ये 1s2 में बचता है। अब जब हम यहाँ पर एल प्लस यानी कि लिथियम प्लस में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जिसमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, राइट, यानी कि लिथियम प्लस को लिथियम टू प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, राइट, इसीलिए इसका सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि जब आप 1s2 को 1s1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं जो कि बिल्कुल प्रोटोन के करीब हैं, प्रोटोन इन बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को और भी ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, इसीलिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं गाइज, नोट डाउन करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर में सेल में प्रेजेंट है उसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्रोटोन नहीं निकाल रहा है, इसीलिए जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन उनको और भी तेजी से खींचेगा, इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड द रिमूवल ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल बी हैव टू बी डन अगेंस्ट ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब हमें जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसे निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को जो प्रोटॉन है वो बहुत तेज़ी से खींचेगा, राइट। सेकेंडली द इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कम्प्लीटेड सेल, चूँकि अब यहाँ पर दो एक ही सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं पूरी तरह से पेयर्ड है, वो यानी कि फुलफिल है, उसमें से निकालना स्टेबल यानी कि स्टेबल सिस्टम में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, फ्रॉम द स्टेबल सिस्टम। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर सेड इज रिमूवल विल बी वेरी हाई, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसीलिए उसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम की ज़्यादा होती है। इस प्रकार से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।